उज्जैन महाकाल लोक के बाद अब उज्जैन के मांस और प्राण को लेकर द्वंद छिड़ चुका है। शिप्रा किनारे के सिंह सेतु बहुपयोगी क्षेत्र को आवासीय किए जाने के विरोध में साधु संतों के बाद अब कांग्रेस भी मैदान में आ चुकी है। बुधवार को पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा शोभा ओझा ने उज्जैन पहुंचकर पत्रकार वार्ता ली। नेता बिल्डर्स पर सनातनी परंपरा के साथ खिलवाड़ कर पैसे लेकर मास्टर प्लान लागू करने के आरोप भी लगाए। महाकाल के महालोक में सप्त ऋषि की मूर्तियां गिरने के बाद भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा पर लगे हैं। वहीं शेर का मास्टर प्लान लागू होने के बाद एक मुद्दा और कांग्रेस को मिल चुका है, जहां कांग्रेस ने सीधे तौर पर उच्च शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि परिवार के नाम की सिंहस्थ क्षेत्र की जमीनों को मास्टर प्लान में आवासीय करा लिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने उज्जैन में पत्रकार वार्ता लेकर शासन द्वारा घोषित किए गए शहर के मास्टर प्लान को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री पर सीधे आरोप भी लगाए हैं। पूर्व मंत्री वर्मा ने कहा कि शहर का मास्टर प्लान पहले से ही विवादों में था, जो अब हाल ही में सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। मास्टर प्लान को लेकर करीब 463 आपत्तियों को दरकिनार करते हुए सिंहस्थ 2016 में जिस भूमि पर सैटेलाइट टाउन का निर्माण किया गया था, वहां की भूमियों को आवासीय किया गया, जबकि अधिकांश आपत्ति सैटेलाइट टाउनशिप वाली भूमियों को सिंहस्थ के लिए आरक्षित रखने को लेकर किया गया था। पूर्व मंत्री वर्मा ने कहा कि मास्टर प्लान को लेकर कांग्रेस स्थानीय लोगों व साधु संतों को साथ लेकर उग्र आंदोलन की रणनीति बना रही है। पत्रकार वार्ता में उज्जैन प्रभारी शोभा ओझा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया, विवेक यादव, नूरी खान भी यहां पर मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि 259 आपत्तियों पर जिला कार्यालय व स्थानीय समिति ने निर्णय लिया है कि सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि मुक्त कराना प्रशासन के क्षेत्र अधिकार में होने से आपत्ति अमान्य कर दी गई है, जबकि पूर्व में जहां सिंहस्थ 2016 में दाऊदखेड़ी, सांवराखेड़ी, जीवनखेड़ी की भूमियों को प्रशासन ने अधिग्रहित कर भूमि स्वामियों को मुआवजा भी दिया था, उस भूमि को वर्तमान मास्टर प्लान में सिंहस्थ क्षेत्र से हटाकर आवासीय किया गया। मास्टर प्लान 2035 में सिंहस्थ क्षेत्र की 74 हेक्टेयर भूमि को कम कर दिया गया, जबकि इस बार के सिंहस्थ के लिए भूमि को बढ़ाया जाना था। देखिए, इस मुख्यमंत्री पे मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास हट चुका है। जब तक लिखित में नहीं आ जाए, ट्वीट तो जनक कौन कौन से करते रहते हैं, शिवराज भैया रोज उठे दो तीन ट्वीट इधर उधर के किए, उनका कोई मतलब निकलता नहीं। लिखित में जब तक नहीं आ जाए, तब तक इस व्यक्ति की बात पे विश्वास हम मध्य प्रदेश की जनता, हम तो विपक्ष में मध्य प्रदेश की जनता भी नहीं करती। देखिए, मास्टर प्लान धर्म क्षेत्र को दूषित किया है। सिंहस्थ क्षेत्र, इतना बड़ा सिंहस्थ क्षेत्र, इसे और बढ़ना था, दुगना होना था। वहाँ भूमाफियाओं और यहाँ के मंत्री जी की मिली भगत से भूमाफियाओं को पनपाने के लिए आप सैटेलाइट टाउन जहाँ बनते हैं, करोड़ों करोड़ लोग यहाँ सिंहस्थ में आते हैं, उस भूमि को आवासीय कर दिया। ये पापाचार निश्चित रूप से शिवराज की सरकार अब नहीं रह पाई। किन लोगों पे इशारा आपका, किन लोगों पे? ये तो सीधे शिवराज की सरकार बोल रहा हूँ ना, उनके नुमाइंदे हैं यहाँ मंत्री मोहन यादव, परियानी भाई, पता नहीं कौन कौन भूमाफिया हैं, इनकी ज़मीनें हैं कि नहीं, या तो ये आके बोले कि हमारी ज़मीनें नहीं है। कांग्रेस का क्या स्टैंड? कांग्रेस का स्टैंड यही है कि यदि 3-4 दिन के अंदर सरकार हमारी वाजिब मांगों पर कदम नहीं उठाती, हमारा कहना 463 आपत्तियाँ हैं, उनको फिर से विचार उन पर ढंग से किया जाए, इस मास्टर प्लान को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए, रिव्यू किया जाए, उसके बाद टेक्निकल लोगों की टीम बैठा के जो न्याय है, न्यायपूर्वक के पुराने शहर के बासिंदों को न्याय मिलना चाहिए, उनके नक्शे पास नहीं हो रहे, 200 साल से रह रहे हैं, भूमाफियाओं के नक्शे पास हो रहे हैं, जो इस शहर का असली मालिक है उसके नक्शे पास नहीं, उनको न्याय मिले। यदि न्याय नहीं मिला तो उज्जैन के साधु संतों को साथ लेके कांग्रेस जन आंदोलन करेगी। धर्म क्षेत्र जो महाकाल का है, उज्जैन की नगरी है, और ऐसे क्षेत्र को भूमाफियाओं को सौंपने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम संगठन की ओर से उसकी लड़ाई सड़कों पे उतर के एक जन आंदोलन खड़ा करके करेंगे, क्योंकि उज्जैन एक पवित्र नगरी है, और जिस तरह से मास्टर प्लान लाया जा रहा है, केवल और केवल भूमाफियाओं को
फायदा पहुंचाने की नज़र से, तो उसके खिलाफ हम सड़कों पर उतर रहे हैं। बड़े बिल्डर नाम सामने आए हैं, देखिए बहुत सारे बिल्डर से पूरी लिस्ट है, आपके यहाँ के मंत्री के रिश्तेदार से लेके उनके नज़दीकी लोग सब हैं इसमें लिप्त। और जो भी करप्शन होता है, जो भी भ्रष्टाचार उज्जैन का होता है, उज्जैन की जनता जानती है कि कौन कर रहा है, मंत्री जी का किस कितना परसेंट किस भ्रष्टाचार में हाथ है वो उज्जैन की जनता सबसे अच्छे से जानती है। तो ऐसे में जन आंदोलन खड़ा करेंगे जिससे कि ये भ्रष्टाचार की बलि ना चढ़े, ये